गुड मॉर्निंग मित्रगण। फिलहाल मैं हूँ थोड़ा जल्दी में, क्योंकि समय सीमा के अंदर रहते हुए मुझे पहुंचना है एक शहर से दूसरे शहर में। Now this is called a good morning, bro. मेरी जबान से इसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। That's how I do the good morning. एक झंझोड़ कर रख देने वाली हाइपर राइड से। और बॉस, इसे मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? दिन के सूर्य उदय की पहली किरणें जो मुझ पर और बीस मशीन डायनासोर पर पड़ रही है। भाई सड़कों को इतना खाली देखे अरसों हो गया, बरसों बीत चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, आज का मोटो व्लॉग काफी स्पेशल होने वाला है। एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज आज है होली ब्रो। होली का त्योहार है, और होली के त्योहार पर तुम्हारे भाई ने करा एक विचार। वो विचार क्या है? देखो, एज अ हिंदू, मैं एक हिंदू हूँ, एंड सारे हिंदू भाई बंद जो है अपने होली का त्योहार हमारी कम्युनिटी के लिए जितना पवित्र और सेक्रेड है ना, उतनी पवित्र और सेक्रेड एक भूमि भी है, जिस जगह को कहते हैं ऋषिकेश। भाई गंगा मैया जो सबके पाप धोती है, वो ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार की तरफ बढ़ती। मैनी वेज अगर देखा जाए ना, ऋषिकेश जो है वो हमारे लिए सेक्रेड वैल्यूज रखता है, हमारे लिए एक पवित्र लैंड है, था और हमेशा रहेगा। सो व्हाट कुड हैव बीन बेटर कि मैं होली के इस त्योहार को अपने टाउन से ऋषिकेश टाउन जाकर सेलिब्रेट करूं। देखो, हमेशा मैं वक्त से आगे चलता हूं, पर आज वक्त का कांटा जो है वो मेरे पीछे चल रहा है। ये वक्त की सुई, एवरी सेकंड एवरी मिली सेकंड इज प्रीशियस, इस वक्त पे मूल्य रखता है। भाई 9:30 या 10 बजे होली सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड इट्स ऑलरेडी 7। कुछ भी करके ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे में अपना सफर कम्प्लीट करना। खूबसूरत उत्तराखंड की वादियों के इलाकों से होते हुए, खुले हाईवे 4-लेन रोड से होते हुए मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना है, अपने होम टाउन से मुझे ऋषिकेश की तरफ आगे बढ़ना है। इस समय पे ना एहसास कुछ अलग तरह का है, क्योंकि ठंड सुबह की और उसपे पड़ती नरम धूप की रोशनी अपने जिस्म को राहत देती हुई। देखो 80 और 100 के बाद जो स्पीड पकड़ी जाती है, उसके बाद मेरे शब्द आप तक पहुंचना थोड़ा असंभव है, क्योंकि माइक जो है ना वो अपना दम तोड़ने लग जाता है, इसलिए मेरे को स्पीड कम करनी पड़ती है। दिस इज द डिसएडवांटेज दैट कम्स विद द सुपर बाइक्स। इन ताकतवर और शक्तिशाली इंजन्स के साथ, बलशाली इंजन्स के साथ हमें ये डाउनसाइड मिलता है ब्रो, एज अ व्लॉगर। बाकी भाई अगर एज अ राइडर हो तो फुल पावर पैसा वसूल है। नॉइस एको कैंसिलेशन के साथ ये बाइक आप तक पहुंचती है, तो यू माइट फील वेरी लकी, क्योंकि भाई बाइक के दाम पे आपको रोल्स रॉयस वाला इको कैंसिलेशन, नॉइस कैंसिलेशन, नॉइस रिडक्शन देखने के लिए मिल जाता है फीचर, समझे ब्रो। तो वहाँ आपको 13 करोड़ या 20 करोड़ रुपए खर्च नहीं करने हैं, वहाँ आपको सुपर बाइक के लिए 20-25 लाख रुपए खर्च करने हैं ब्रो। सो धीरज रखो और बाइक खरीदो। अगर आप भी बहुत परेशान हो गए अपनी जिंदगी से, रोजमर्रा की तकलीफों से, लोगों की किच किच से, तो भाई ऑब्वियसली एक सुपर बाइक आपके लिए एक माध्यम बनेगा। उस किच किच से, शोर शराबे से शांति पाने का, तो आज ही बाय करें सुपर बाइक। सुपर बाइक ऐसा सीन है कुछ ब्रो। फिलहाल हमारे पास मस्ती करने के लिए वक्त नहीं है, तो मैं स्पीड कवर करता हूँ। हाई स्पीड्स में आपको प्रॉपर हाइपर राइड दिखाई जाएगी। थोड़ा बोलना कम होगा, क्योंकि मेरे शब्द, मेरी ध्वनियाँ आप तक पहुँचेंगे नहीं तो वो निरर्थक है। 100 के बाद मेरे हाथ से बात निकल जाती है, 150 तक जाते जाते चैप्टर क्लोज हो जाता है, गला जो है ना गला बंद हो जाता है। ऑब्वियसली भगाते हुए पॉसिबल नहीं है, ये बाइक्स भागती है 150-200 पे। भाई ये छुट्टे सांड है, इन पर लगाम कसने नामुमकिन है। बाबा एक बार थ्रॉटल घुमा दिया तो उसके बाद ये मेरी भी नहीं सुनती। चलो फिर, ना तुम्हारी ना मेरी, अब इसकी सुनते हैं। ठीक है ब्रो, लेट्स रोल। कट मेरे प्राण ले सकता था, पर ठीक है भाई, इन सड़कों से मेरा पुराना रिश्ता है, मेरा साथ देती है। देखो रिसेंटली मेरे कुछ व्लॉग्स अगर आपने देखे होंगे, तो मैं गाड़ी का सहारा, गाड़ी को माध्यम बनाकर अपने सफर को आगे बढ़ा रहा था, चैनल पर ब्लॉग पोस्ट कर रहा था। इसके बीच में मुझे एक चीज जानने के लिए मिली भाई, और वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी कि टोल जो है वो इतना अधिक हो चुका है कि यदि आपको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, आपको 2500-3000 का फटका पड़ जाता है बहुत। पर इन गाड़ियों के साथ क्या, दो पहिया वाहन के साथ क्या, शान और शौकत के साथ आगे निकलते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, समझे वो।
तो इसलिए मुझे एक सुपर बाइक एक बाइक जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है, हित में है, उसकी जेब के हित में। और यही सारी बातें करते करते आप सामने देख सकते हैं हमारी सफर का पहला टोल टैक्स आ चुका है। हमने कम से कम 25 से 30 किलोमीटर क्षण भर में 5 से 10 मिनट में कवर करके आपके सामने दिखा दिया। तो ये क्षमता ना मेरी है ना आपकी, ये है इसकी क्षमता भाई, जो भागती है बिना पूछे। बस इसका ये थ्रॉटल घुमाने की देरी है, क्या लग रही है, मतलब ये रैप की क्या तारीफ करूं, रैप पे मैं मर मिटू। ये रैप जो है ये कलर और साथ में अपना पीला थीम आज का, होली में ये भी रम चुकी है, मैं भी रम चुका हूँ, दोनों अपने रंग में अपने ढंग से तैयार होकर निकले होली त्योहार को मनाने के लिए भाई। ठीक है जी, तो चलते आगे की तरफ और धीरे धीरे आपको देते हैं अपडेट्स ऑन आवर जर्नी। आगे होगा बहुत सारा धमाल। दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट बाइक। साइड स्टैंड नीचे तो बता देती है दैट इट्स नॉट सेफ टू राइड विदाउट साइड स्टैंड को करे हुए वापस से ऊपर। चलो फिर सेकंड लैप मारते हैं, सेकंड राउंड खेलते हैं बाबा अपनी राइड का, अपने बचे हुए सफर को करते हैं जल्दी से कंप्लीट, होटल लेंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद जो आगे के सीन्स है ना वो आपके सामने डिस्क्लोज करे जाएंगे। आनंद बहुत आने वाले, वक्त पे पाबंद रहते हुए आज हमें पहुंचना पड़ेगा वरना इवेंट मिस हो जाएगा। कुछ चीजें जो होती है ना वो हमारे हिसाब से नहीं चलती, कुछ चीजें चलती है वक्त के हिसाब से और वक्त के अनुकूल हमें ढलना पड़ता है, वक्त के अनुसार हमें चलना पड़ता है अगर लाइफ में ग्रो करना है। बहुत से ऐसे उदाहरण देखे अपनी लाइफ में, इवन आफ्टर बीइंग क्वाइट टैलेंटेड वो व्यक्ति सक्सेस नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज वो लैक करते हैं वो एक क्वालिटी, एक गुण। वो गुण क्या है, वो गुण है वक्त की कदर करना, अनुशासन पर अनुशासित ढंग से चलना जीवन में। एंड वंस यू अचीव दैट बिलीव मी ब्रो, अगर तुम टैलेंटेड नहीं भी हो ना यू विल मेक समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ। तो ये चीज हमेशा याद रखना, बिकॉज यही मंत्र है जो आजकल मैं भी रोज गुनगुना रहा हूँ, यही वो मंत्र है जिसको मैं भी आजकल रोज अध्ययन कर रहा हूँ, रोज प्रयास कर रहा हूँ। अभी नहीं भगाएंगे भाई, यहाँ पे बम्स हैं बहुत सारे, तो अभी भगा के कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं एक नॉर्मल स्पीड में क्रूज कर रहा हूँ 60 to 70 के बीच में। बाबा जिंदगी में जब कोई साथी ना मिले ना निकल जाया करो अकेले, किसके साथ आए थे और किसको साथ लेके जाना है, क्यों बनाना इतना बहाना है, निकल जाओ, फ्री होकर निकल जाओ, खुद पर भरोसा रखकर निकल जाओ, अडिग अपने कदमों को रख कर निकल जाओ। स्थिरता तुम्हारे जीवन में किसी और की वजह से ना आनी है, ना आई थी और ना आएगी, तुम थे वजह, तुम रहोगे। अंत में एक बात याद रखना, ये भी साथ ना दे, अंत में केवल तुम्हारे लिए तुम होगे। अपने वाहन पर भरोसा रखो, अपने घोड़े पर भरोसा रखो, अपने जिगरे पर भरोसा रखो, अपने कदमों पर भरोसा रखो, अपने हार्डवर्क पर भरोसा रखो, इट विल पे यू ऑफ वन डे ब्रो। एंड देखा जाए तो ब्लॉगिंग का तो मतलब ही वही है, इसी ख्याल इसी विचार के साथ मैंने इस चैनल की नींव रखी थी और आज भी इसीलिए काम कर रहा हूँ, पहले सिनेमैटिक के थ्रू और आज व्लॉगिंग के थ्रू। पहले भी कहानी बताता था, आज भी कहानी बता रहा हूँ, अपने जीवन की जिंदगानी दिखा रहा हूँ। व्यू पड़े ना पड़े ब्रो, मुझे क्या लेना देना, मेरी लाइफ तो डॉक्यूमेंट हो रही है ना, दैट्स माय अल्टीमेट गोल ब्रो। इसके अलावा भी बहुत संसाधन है जीवन में कमाने के, कमाई की भूख होती तो कब का छोड़ चुका होता ना, कमाने की भूख है ना लालसा, अब केवल काम करना है, इतना ही मेरा विचार था, दैट्स ऑल आई वांटेड। अगर आप इस वक्त देहरादून से ऋषिकेश की तरफ जाते हुए, हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हुए हाईवेज देखोगे ना, आप एक राइडर और एक वाहन चालक है तो आपके दिल को ऐसी तसल्ली मिलेगी जैसे कि रेगिस्तान में किसी को पानी। क्वालिटी देखो हाईवे की, मक्खन की तरह स्मूथ है, जस्ट लाइक अ बटर, अमूल बटर नहीं है बट इट इज स्मूथ एज हेल ब्रो। कटिंग बहुत स्मूथ है इस जगह पर, कटिंग के लिए मुझे काफी स्पेस मिल जा रही है, तो यहाँ पर रिस्की नहीं है कटिंग, दिस इज द परफेक्ट रोड कटिंग मारने के लिए, क्लीन गेम के लिए। हाँ थोड़े बम्स है तो बस उसका ख्याल रखना कि बीच में एकदम से बम्स ना आ जाए ना, ताकि आपका हैंडल ना डिसबैलेंस हो, अदरवाइज इट्स वेल एंड गुड। ऐसा लगा जैसे आंखों में मिर्ची गई, ये एहसास ना हर बाइक राइडर को होता है कभी ना कभी अपने राइड के सफर के दौरान, इन कारणों से शायद से आसपास की जो दुकानों में मसाले उपयोग होते हैं उस वजह से, कई बार एक काला कीड़ा होता है उसकी वजह से, अन्य रीजंस भी हो सकते हैं भाई, हवा में बहुत सारी चीजें घुली हुई होती है, उसमें से मुझे लगता है कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो अपनी आंखों में जाते हैं तो अपने को मिर्ची का एहसास होता है। ये शंका ना हर सुपर बाइक राइडर के मन में एक ना एक बार तो आती है कि जब मैं हाई स्पीड में अपनी बाइक को लीन और रन कर रहा हूँ तो कहीं मेरे टायर में हवा कम तो नहीं है, टायर जो है वो पंचर तो नहीं है, इसी विचार के साथ उतर कर मैं भी एक बार देख लेता हूँ ताकि वी हैव अ सेफ राइड। जाना था कहाँ और पहुंच गए चीन, समझे ना, तो वो चीज ना हो जाए अपने साथ, जस्ट टू मेक श्योर एंड इट इज परफेक्ट एज ऑलवेज।